राजनीति भी अजीब चीज है। सत्ता पाने को कौन क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। यही नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी रिजवान कुरैशी नामांकन कराने आए। उधर सपा के मेयर पद के प्रत्याशी यूसुफ अंसारी के समर्थन में रिजवान के चाचा हाजी इकराम कुरैशी दिखाई दिए। जब इकराम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो सपाई नहीं है और उन्होंने अपने चाचा का कोई कांग्रेस सपा गठबंधन का चुनाव लड़ाया है। साथ ही कहा है कि अगर रिजवान को वो गद्दार कहते हैं और हक की लड़ाई लड़ना गद्दारी है तो ये गद्दारी रोज होगी। इस बाबा जब इकराम कुरैशी ने अपने आप को फकीर कहा जबकि रिजवान को गद्दार कह डाला। दुश्मनी नहीं, समाजवादी पार्टी से दुश्मनी नहीं, मुझे मिटाने के लिए अगर मैदान में उतरा है तो हम जनता में ऐलान करेंगे कि उन्हें ये फकीर गुलाम चाहिए या कोई मगरूर हमारे यहाँ का गद्दार चाहिए। कांग्रेस विधायक है, समाजवादी से जुड़े हैं, आपने भी समाजवादी का चुनाव लड़ाया है? नहीं, मैंने कभी नहीं लड़ाया, मैंने गठबंधन का चुनाव लड़ाया है। आप उनके साथ रहे हैं साहब, गठबंधन का चुनाव लड़ाया है, तो क्या वजह रही कि आप उनसे मतलब उनकी जगह दूसरी जगह? देखिए, मैंने गठबंधन का चुनाव लड़ाया था, ना कि चाचा या समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाया था। एक बात, दूसरी बात मैं जवाब दे दूं पहले, पूरा जवाब। जी जी जी। 2006 में माननीय यूसुफ अंसारी जो हमारे सामने अभी सपा के कैंडिडेट हैं, वो 2006 में कांग्रेस पार्टी से मेयर के प्रत्याशी थे। मेरे चाचा जो इस वक्त विधायक हैं वो महानगर अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने उनके खिलाफ जाकर के यूसुफ अंसारी साहब को मेयर का चुनाव लड़ाया था और इस बात के गवाह शायद आप लोग सभी हैं, अगर जानकारी करेंगे तो मिल जाएगी। आपकी चाचा आपको ये कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं? देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना अगर गद्दारी है तो रोज करूंगा। मतलब आप भी उनके साथ गद्दारी करेंगे या फिर वो कैसा क्या मानते थे आपको? मैंने क्या कहा, अगर ये हक की लड़ाई लड़ना गद्दारी है तो ये रोज करूंगा। इस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के विधायक के भतीजे को उम्मीदवार बनाया, इसके पीछे क्या रणनीति लगती है आपको? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा धोखाबाज पार्टी है। कांग्रेस ने जो जो किया है, अगर आज इस देश में मुसलमान कहीं कमजोर है तो वो कांग्रेस की देन है। तो मुकाबला किसके साथ होगा सपा का मुरादाबाद मेयर चुनाव में? हम भारतीय जनता पार्टी से 50,000 वोट से जीतेंगे।